सर कल हमने यहाँ तक किया था कि अपने हॉलीडे आ गए थे इसमें, हाँ ठीक है जी। अब इसमें आगे करते हैं एम्प्लॉय आईडी। पहले एम्प्लॉय आईडीज कुछ ले लेते हैं। आ जा माउस। अच्छा, माउस का भी है। हाँ जी सर, इसका कुछ वैसा था अच्छा कि मतलब ये थोड़ा थोड़ा तो सही हो गया, दिन भर सही चलता है, रात के टाइम पे पता नहीं क्या ड्रामा करता। इसका कुछ हाँ, सही रेजोल्यूशन का बोल पंगा था, मैंने स्क्रीन बड़ी लगा रखी, रेजोल्यूशन हाई कर रखा था, रहे। अच्छा उस वजह से था कुछ, पर अभी फिर से पता ओके, नहीं क्या आ गया। मैं तो चलिए कोई बात नहीं। मेरे बंदे आ गए, इनकी मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देता हूँ। ये मान लीजिए इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मैं इसमें छुट्टी वाले डेट ऑफ ज्वाइनिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 13 जनवरी कर दिया इसको। क्या करते हैं सर, यहाँ पे आ गई मेरे पास हॉलीडे लिस्ट, मैंने दूसरे में बनाई रखी थी, ठीक है जी। ठीक है। और यहाँ पे हमें एक लीव रिकॉर्ड बनाना है, जैसे कि हम यहाँ पे नेम नेम चूज कर लेते हैं एम्प्लॉयज का। और कौन सी डेट है, क्या नेम है, देन उनका, या ही हम एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं, या और जो छुट्टी ली है बस यही डालना। जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने डाली है उसमें कोई हॉलीडे वाला नहीं है ना? हो सकता है, पर आगे चेक कर लेंगे उसको हम। अब क्या करना है मुझे, जिस डेट में छुट्टी ले रहे हैं ये लोग, वो मुझे यहाँ दे देना है बस। जैसे मान लीजिए इसने ले ली 14 तारीख की छुट्टी, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 14 जनवरी डाल दिया, नेम डाल दिया, ठीक है जी। हेल्पर में इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगा, कंकैटिनेट कर दूंगा, इसकी हमें जरूरत हेल्पर का पड़ेगी। क्या मतलब है? हेल्पर मतलब एक हेल्प करने वाला हमारा कॉलम होगा, अच्छा तो ये मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, आदमी जब छुट्टी लेगा तो उसका प्रदीप का 13 जनवरी के बाद 21 में कर देता हूँ। तो 21 जनवरी, जनवरी 14, यहाँ पे प्रदीप, यहाँ से मैं देख लेता हूँ मानसी 21 अप्रैल, अप्रैल में जो है 21 अप्रैल ज्वाइनिंग है, 24 को छुट्टी दिलवा देता हूँ इनको, 24 अप्रैल की। इसमें क्या है कि हम कभी की भी छुट्टी डाल सकते हैं, ज्यादा हमें वो सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, बस इतना करना है, ठीक है जी। चौबीस अब अप्रैल की ले रहे थे ना?
अच्छा हाँ सर, अप्रैल की ये छुट्टी डाल दी मैंने। अब करवाते हैं इनकी, अब जितने हमने सर फॉर्मूले इन सब चीजों के लिए लगाए थे वो सब फॉर्मूले अब यहाँ से स्टार्ट होंगे। जैसे पहला फॉर्मूला स्टार्ट होता है उसको अपना इधर ही कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको क्या चेक करना है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले नहीं फिल करनी है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आज के बाद नहीं फिल करनी डेट। एग्जैक्टली मैं पहला चेक कराऊंगा इफ ये ऊपर वाला, ऊपर वाली जो डेट है अगर वो इज लेस देन इज लेस देन इससे, तो मतलब उससे छोटी है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए। ठीक है जी, छोटी है तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो मीन छोटी होगी, छोटी होगी तो इट मीन्स इट इज ओके। एक सेकेंड, छोटी है तो फिर यहाँ पी आ तो जाए, लीव दे सकते हैं। नहीं लीव नहीं, जैसे पहले तो पी और उसका लगाना है ना हमें, तो इसमें क्या करेंगे एक एक चलो ठीक है, पी करके ले स्टेप, लेते हैं। हाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। P6 जो है बड़ी होनी चाहिए ताकि यहाँ वैल्यू आए, तो हाँ पी दिखाएंगे। एंड ये इससे बड़ी हो, और टुडे से छोटी होनी चाहिए थी, कहाँ गया? टुडे एक टुडे की डेट कहां से पकड़ेंगे हम? टुडे चेक करा लेंगे सर, हमने कहा कि ये वाली जो डेट है वो छोटी होनी चाहिए इससे। ठीक है जी, तब यहाँ पे अब इसके लिए पहले तो इसको इसमें चलाएंगे, क्या नाम है, अरे आ जा भैया, यहाँ पे एक एंड का फॉर्मूला लगा दें। एंड का फॉर्मूला क्या करेगा, एक कंडीशन तो ये हो गई और दूसरी होनी चाहिए जो ऊपर वाली है, वो टुडे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये टुडे का बाद में लगा देंगे, एंड के अंदर नहीं लगा सकते, इसका रीजन है क्योंकि एक साथ लगा देंगे फिर ये दोबारा कंडीशन वर्क नहीं करेगी। अरे खुदा, पहले तो हमने ये चेक करा दिया, और यहाँ पे हमें फिक्सिंग करनी पड़ेगी, इसमें रो करेंगे और इसमें कॉलम करेंगे, देन क्या करेंगे पी, अदरवाइज में अपनी वे वैल्यू फॉल्स में डाल रहे, फिर चेक करेंगे रिवर्स कंडीशन डालनी है, ये चीज ये नहीं डालनी। चलिए इसको बाद में लगाते हैं, अपने सिंपल फॉर्मूला से चालू करता हूँ जैसे हम करते थे शुरुआत। ठीक है। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि ऊपर वाली सैटरडे संडे तो नहीं है, सैटरडे संडे इक्वल टू संडे, इसी में और कंडीशन नहीं दे सकते? इस सैटरडे और संडे और
अब पब्लिक हॉलीडे कितने लॉजिकल लगा सकते हैं इसमें, तो एन इसमें नंबर ऑफ तो लगा सकते हैं ना। एन नंबर ऑफ लगा सकते हैं सर, पर डिसीजन तो एक ही से होना है। मतलब हमें काम भी तो करवाना है वहां। अगर सैटरडे संडे हो तो हम वहां पे लगा देते हैं वीकली ऑफ, ठीक है जी। अदरवाइज भी सिंपल लॉजिक में बढ़ते हैं आगे, कहीं कंफ्यूजन होगा नहीं तो। अब ये आ गया तो जिसको अगर सैटरडे संडे है तो नहीं, अगर सैटरडे या संडे है, सैटरडे संडे है तो सही, यहाँ क्यों नहीं चल रहा, यहाँ मिल क्या रहा है जी। इसे एक बार इवेल्युएट कर लेता हूँ, इसे इवेल्युएट। सैटरडे सैटरडे टू हो गया। अच्छा और लगाना है, और लगाना है, एंड नहीं लगाना, और लगाना है। और लगा और लगा दिए मैंने, ठीक है जी। आ गया। अब इसमें करेंगे, अब पी की जगह पे ही अगली कंडीशन आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है जी। कि अगर अब वो वाला जो फॉर्मूला लगाया था हमने वी लुकअप करके लगाया था, तो यहाँ लॉजिकल टेस्ट है, यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला वैसा ही लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है। वो कैसे करेंगे हम, कि पहले जो ये यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर डाल देते हैं वी लुकअप। वी लुकअप में क्या क्या था, कंकेट, खाली डेट को हमने चेक किया था एचएल में, और जिसमें कॉलम इंडेक्स एक था और रेंज लुकअप 0 था, तो एरर आए। और इफ इज एरर हो, इज एरर पे मतलब एरर आ गई तो मैच नहीं है, तो हमने क्या करा था यार, नॉट लगा दिया था फिर उसके लिए। तो ये हमें वो वैल्यू मिल गई थी, तो पता करो वहाँ है कि नहीं है। अब बस मैंने इसमें फिक्स करना था 5 को, ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ पी की जगह पे, इफ के अंदर। इफ अगर ये फॉर्मूला है, मतलब यहाँ अगर है ऐसा वैल्यू मिल जाती है उसे, तो क्या करना है, एच एल लग करना है, अदरवाइज पी कर देना है, ठीक है जी। अभी हमने क्या किया, अब पहले तो किया अभी सैटरडे संडे हमने देख लिया, जहां जहां सैटरडे संडे हम वीकली ऑफ डाल देगा, जहां नहीं है वहां पी डाल देगा, ऐसा ना पहला। हाँ जी, और हाँ जी, दूसरा जो है अभी जो आपने किया कि वी लुकअप में जाके एक बार दोबारा फॉर्मूला दिखाएंगे, और जो जहां पे वी लुकअप वाला है। वी लुकअप वाला ये है। इसमें क्या किया हाँ ना, पहले ये वी सबसे पहले लुकअप, किया। वी लुकअप ने डेट चेक करी अपने हॉलीडे लिस्ट के अंदर, कि अगर है तो है पे क्या लाएगा, वो डेट वैल्यू ले आएगा। और हमने ये चेक किया कि इसमें एरर है कि नहीं, ठीक है जी। एरर आई तो नहीं है, नॉट से उसका रिजल्ट कर दिया हमने है, मतलब जब वैल्यू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है जी। हॉलीडे है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा।
अच्छा ये एचएल जो लिखा है वी लुकअप में D5 और D5 एचएल, हाँ जी, एचएल एचएल बताओ। एचएल क्या ये हमें देना है खुद? एचएल हमने कल यहाँ पे नहीं किया था, इसको लिस्ट बना ली थी। ये जब आप सिलेक्ट करेंगे इसको, हाँ ये हाँ, तो इसका नेम डिफाइन कर दिया था ना हमने, इस लिस्ट का। यहाँ पे एचएल आ रहा है ना, इसको तो एचएल दिया था। हाँ जी, हाँ जी, इसको एचएल दिया था। ठीक है अब वो ठीक है क्या कर ठीक रहा है, इसको डेटा है मान ठीक के इसके है अंदर ठीक चेक कर ले रहा है। ओके ओके ठीक है। उसके अंदर जाके देखेगा हाँ, अगर वो डेट है ऑलरेडी। तो है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, बस सीधा ठीक है, सा। अगर हम नॉट नहीं लगाते तो फिर होती तो भी फास्ट दिखाता। अगर नॉट नहीं लगाते तो, अगर होती उसमें तो या एरर दिखाता। उसमें अगर वैल्यू होती तो फॉल्स रिटर्न करता। अच्छा, ठीक है जी, हमें ट्रू चाहिए था तो हमने कर दिया। ठीक है, इसलिए नॉट लगाया। हाँ, अब मैंने जो वो पहला फॉर्मूला लगाया था, देखिए लास्ट की कंडीशन तो वही है कि मुझे प्रेजेंट ही लगानी है जी। इसमें है एग्जैक्टली सैटरडे संडे, एचएल, लीव, इन सब के बावजूद मुझे लगानी तो प्रेजेंट ही है जी। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा क्राइटेरिया बना के प्रेजेंट जहां डालनी है डाल देता हूँ, और हर बार उस अच्छा, प्रेजेंट को मुझे एक चीज और पूछनी थी रिप्लेस। संदीप, जैसे हाँ जी, अभी अभी जो हम एचएल हमने जो नाम दिया है पीछे वाली शीट को हाँ जी, ये सॉरी हॉलीडे लिस्ट में जा जाके चेक करता है वो हाँ जी, आपके वी लुकअप के फॉर्मूले के हिसाब से, अगर वो हाँ, डेट वहां पे है तो वो डायरेक्ट उसको ट्रू क्यों नहीं दिखाता? हम पहले उसको फॉल्स दिखवा रहे हैं फिर नॉट लगा के उसको ट्रू दिखा रहे हैं, ये हम डबल नहीं कर रहे काम? ये ऐसा ही होना चाहिए। ये सर जब कोई आपके पास पैटर्न ही नहीं है इसके लिए तो यही करना पड़ेगा। ओके ऐसा कोई ओके, पहले फॉर्मूला नहीं इज है एरर और जो, फिर नॉट। ठीक है हाँ, ठीक मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो उसमें से ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दे। ठीक है जी, ठीक है, उसका है पर वो अगर मैंने लगा दिया फिर वो समझ नहीं आएगा। वी लुकअप थोड़े नहीं से नहीं वो आप, मत करो, हाँ रहने दो रहने दो अभी। ठीक ठीक है जी। तो है हर बार मैं क्या करूंगा, जैसे पी है मैंने लास्ट, कोई कंडीशन ऐड करनी है तो पी के अंदर इफ लगा के फिर दे दूंगा, फिर लास्ट में पी लगा दूंगा। ठीक है जी, इसी को रिप्लेस करता जा रहा हूँ मैं पी को। अब मैंने क्या करनी है, लीव चेक करनी है। लीव चेक करने के लिए फिर से मैंने पी हटा दिया यहाँ से, और पहले फॉर्मूला बना लेते हैं उसके लिए कि लीव उस बंदे की है कि नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया था, आपको एक हेल्पर कॉलम लिया था जिसमें मैंने नाम और डेट एक साथ कंकेटिनेट करा दी थी। उसका पर्पज क्या था कि देखिए, अगर इसकी डेट और इसके नाम को मैं जोड़ दूं तो एक यूनिक प्लेस बन जाता है ना। जैसे 8 तारीख है, 8 के साथ इसको जोड़ दिया मैंने तो यूनिक बन गया ना, संदीप इतनी तारीख। हाँ, तो वो इसलिए कर रहा हूँ मैं। अब उसमें मुझे क्या रिटर्न करना है, सीधा सीधा उस दिन मैंने चेक करना है, उसमें भी यही करना है कि उसमें है कि नहीं। तो इसमें फिर से वी लुकअप लगा दूंगा, और पर कंकेटिनेशन वाला वी लुकअप। उसमें क्या लिया था मैंने, पहले डेट ली थी तो मैं डेट ले ली मैंने, टेबल अरे मैं जाके चूज कर लूंगा यहाँ से, ऊपर से सीधा ये ले लूंगा इसी करके, कॉलम इंडेक्स जो है, बल्कि पूरा भी लेने की जरूरत नहीं, एक भी ले लो तो चलेगा, एक एंड 0, क्योंकि अल्टीमेटली यही हेल्पर ही चेक करा रहा हूँ मैं कि ये इसमें है कि नहीं। ठीक है जी, अब एरर आ गई, मतलब नहीं है। अब नहीं है तो मैंने क्या लगाया, मैंने एक फॉर्मूला निकाला, इज एरर, क्या एरर है। इसने कह दिया हाँ जी है, तो अब मैंने इसको फिर से रिवर्ट कर दिया। मैंने कहा वैल्यू है, अब वैल्यू है के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो मुझे पता है कि एरर है के रिजल्ट को उलट दूंगा तो वैल्यू है मतलब, तो वही इस फॉर्मूले का मतलब सर यही है। ठीक है। इसको मैं फ्रीज कर लेता हूँ, पहले तो इसमें मैंने कंकेटिनेट नहीं किया, कंकेटिनेट में मुझे साथ में नेम भी करना था ये वाला। अब मुझे डी में क्या करना है, मुझे डी में मुझे 5
ब्लॉक करना है, और उसमें मुझे कॉलम ब्लॉक करना है, रो नहीं ब्लॉक करनी, ठीक है। और इसमें मुझे टेबल एरे में तो पूरा डेटा ब्लॉक करना पड़ेगा, कर दिया। अब मुझे ये ट्रू फॉल्स दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा इस फॉर्मूले को यहाँ से, और फिर इस फॉर्मूले में चला जाऊंगा जहां पे पी लगाया है, वहां एक और इफ लगा के इसको मैं ये फॉर्मूला दे दूंगा, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यू इफ ट्रू में देना है, अगर वैल्यू है तो क्या दिखा दे, लीव दिखा दे, अदरवाइज फिर से पी दिखा दे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आ गया, लीव आ गई, इधर आ गई, यहाँ मानसी में मैंने लास्ट में करी थी अप्रैल में, तो अगर मैं यहाँ से अप्रैल चूज करता हूँ तो अप्रैल में लीव आ गई सर इसकी, ये देख रहे हैं हाँ आप अभी सबसे लास्ट, ठीक है। तो अब ये काफी हद तक बन गया, बस इसे एक चीज पे रेगुलराइज करना है कि अगर वैल्यू जो है इससे कम हो, मतलब डेट अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कम हो तो वहां पे ब्लैंक आना चाहिए, और टुडे से ज्यादा हो तो ब्लैंक आना चाहिए। तो इसमें एक और का, बिल्कुल हाँ इसमें एक और का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये सब करने से पहले मैं इसमें अब शुरुआत में लगाता हूँ ये फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि ये सब तो तब होगा जब पहले वो बंदा आएगा या टुडे से ज्यादा होगा, मैं शुरुआत में लगा रहा हूँ इसलिए फॉर्मूला। तो इफ और मैं ये चेक करूंगा क्या ये वैल्यू ग्रेटर लेस देन है, इससे अगर इस आ जा आ जा आ जा C6 लेस देन D5, ओके। एक कंडीशन ये हो गई, और एक चीज कि D5 ग्रेटर देन टुडे, टुडे का फॉर्मूला लग गया, और का क्लोज किया मैंने, अगर ऐसा है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज ये फॉर्मूला कर देंगे। एक गड़बड़ हो गई, इसमें फिक्सिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, सी वाले में मुझे कॉलम में लगानी थी, और डी वाले में मुझे रो में, यहाँ पे रो में, इतने क्या हो गए, मेरे ख्याल से उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। D5 जो है टुडे से बड़ा हो, D5 अगर टुडे से बड़ा हो तो ब्लैंक, और C6 अगर D5 अगर इससे बड़ा हो तो फॉर्मूला उल्टा लग गया। D5 C6 छोटा होना चाहिए,
6 कम होना चाहिए, कम नहीं, यहाँ फॉर्मूला पलट देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। अब ये लग गया सही। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से मंथ ईयर चेंज करके देख लेते हैं, फरवरी में देखते हैं सबकी आ गई, अप्रैल में आ गई। ठीक है जी, हमने क्या डाला, इफ C6 इज मोर देन D5। हमने डाला अगर C6 इज ग्रेटर देन, अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज हाँ मोर देन, ज्यादा है उससे, किससे ज्यादा है, मतलब ऊपर ये वाली डेट से, उस कॉलम से C6 इससे ज्यादा है, या फिर D5 जो है टुडे से बड़ी हो। D5 टुडे से बड़ी है, बट हम तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग को रेफरेंस मान के चल रहे हैं ना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी और टुडे को भी, सर अगर एक हम लिख दें, मिनट, टुडे वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, ये दोनों हाँ ए, ठीक, ए, ये दोनों एक साथ काम भी नहीं करेंगे, उल्टा ही करेंगे, क्योंकि टुडे वाला हाँ काम सोचा। करेंगे भी। अगर हम खाली डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लें संदीप की, खाली डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अब ये सपोज देखिए कर लो। यहाँ पे क्या हो गया, एक टुडे तक आ गई, एक कंडीशन तो सही चल रही है। अच्छा एंड लगाना है, यहाँ मगर मैं खाली, एंड लगाना है और नहीं लगाना है, या हाँ एंड लगाना है, कि दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए, है जी। हाँ एक तो दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आई मीन दो से मीन्स टुडे से डेट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो डी डी तुम्हारा C6 है वो शुडंट बी मोर देन टुडे, ये हो गया एंड, C6 shouldn't be more than two। और ये जो है मोर देन टुडे, मोर देन टुडे होना चाहिए, मोर देन टुडे नहीं नहीं होना चाहिए, D5 भी बड़ा होना चाहिए उसमें। अब ये पहले सही लगाया था मैंने, बस और नहीं, वो नहीं लगाया था, अब सही है। पर कर वो भी रहा था सही काम, पता नहीं कैसे पर ही अब हाँ सही है। वो लेस और मोर में कंफ्यूज हो गए आप। ठीक है अभी, हाँ अब सही है, सो हाँ अगर हम सी पर अभी दिखाएं फॉर्मूला देखेंगे एक बार, अभी भी और एक बार फॉर्मूला पढ़ते हैं, अभी एक बार गड़बड़ कर रहा है ये, फिर भी ये क्या कर एक रहा बार चेक करो फॉर्मूला। है, ये क्या कर रहा है, जहाँ हमें 13 जनवरी से चाहिए था, अभी ये दूसरा वाली कंडीशन वर्क नहीं कर रहा है, मतलब D5 बड़ा हो C5 से, D5 बड़ा हो C5 से, D5 अगर बड़ा हो D5, मतलब ज्यादा हो C5 से, नहीं ये नहीं होनी चाहिए, उल्टा ही होना चाहिए, मैं हमेशा कंफ्यूज, क्या सही हो रहा है C6 ना ना। C6 D5 यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है मुझे, आ गया लॉजिकल में ढीला हूं मैं, थोड़ा दिमाग नहीं आया नहीं, इस टाइम। लॉजिकल तो आपकी बढ़िया है। ओ मैं एक बार यही 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 कह रहा था कि अगर हम जैसे C6 इज लेस देन D5 हम दिखा रहे हैं, है ना संदीप, C6 इज लेस देन D5 का मतलब है आपका D5 ज्यादा जो आया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो D5 से कम होनी चाहिए, राइट। डेट ऑफ और सेकंड जॉइनिंग, कंडीशन हम दे रहे हैं हाँ कि D5 मोर देन टुडे भी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं हम नहीं नहीं डायरेक्ट हाँ हाँ C6 हाँ पे क्यों नहीं लगा रहे हैं। D5 मोर देन टुडे नहीं होना चाहिए ना, मोर देन टुडे नहीं होना चाहिए, टुडे ही बड़ा होना चाहिए। तो नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि सर ट्रू में हमें ब्लैंक देना है, ट्रू में हमें ब्लैंक देना है, ट्रू में ब्लैंक देना है, किस केस पे ब्लैंक देना है वो डिफाइन करना है हमें यहाँ पे। हमें किस केस में ब्लैंक देना है उस केस में। अगर D5
2 डे से ज्यादा हो तो ब्लैंक देना ही है, क्योंकि वो सेंस नहीं है, उसके आगे दिन ही नहीं है, ठीक है ना। अभी वो दिन आया ही नहीं है। जैसे आज अगर 14 मई, अगर 15 मई में जाके उसको ब्लैंक दिखाना, ठीक है ना। और ऐसा है। अगर वो 15 मई में आता है तो 15 मई में वो ब्लैंक दिखा देगा, करेक्ट। और जो पहली कंडीशन है C6 इज लेस देन D5, ये और वो वाला जो ये हो था, गया आपका। वो जो और वाली थी ना, वो सब सही थी, दोनों में से एक होनी चाहिए। ये करके दिखाया था मैंने शायद, देखते हैं। अब ये उल्टा एक जगह लग गया। इसमें ऐसा है ना, मैं लॉजिकल को उल्ट तोड़ मोड़ के लगा लेता हूँ, अपने आप सारे ट्राई कर इतने। चेक चेक कर लेंगे। नहीं, मुझे सेंस समझ में आ गया, ठीक है संदीप। एक बार इसको ये है कि भाई अपने को देना है कि भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है, एक तो 2 डे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन अगर अगर उससे ज्यादा है तो अपने को ब्लैंक दिखाना है। और दूसरी कंडीशन हम लगाना चाह रहे हैं कि C6 शुड बी लेस देन D5। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है मैंने जो वो पहले लगाया था सर, वो इसमें बैठेगा। जो मैंने पहले लगाया था ना, वो भी बैठेगा इस पे। पता नहीं कैसे किया था। ये था, और पहली बार दिमाग में सही बैठ गया था। ये सही है। अब देख लेते हैं इसमें कंडीशन क्या लगाई थी। चलो अब चेक कर लेते हैं। हाँ, मैंने एंड लगाया था। मैंने कहा C6 एक तो बड़ा होना चाहिए D5 से, ब्लैंक के लिए C6 बड़ा होना चाहिए D5 से। C6 बड़ा क्यों होना चाहिए, पर यहाँ काम कैसे कर रहा है। और D5 जो है बड़ा होना चाहिए टुडे से, मतलब आज की डेट टुडे से भी बड़ी होनी चाहिए। हाँ ओके। ये D5 जो आपने लिखा, D5 शुड बी मोर देन टुडे, ये D5 क्या ले रहा है अभी? ये D5 ये 1 2 3 4 ले अब रहा है ना? देखिए, ब्लैंक के लिए ना यहाँ पे डेट्स एक ही जैसी होगी। अच्छा, यहाँ और चल रहा है, यहाँ और चल रहा है, यहाँ एंड चल रहा है और। अच्छा, और ही चल रहा है, ठीक है। और का फॉर्मूला है ये, था सही था। और का फॉर्मूला था, और में और जैसे दोनों आपने सैटरडे संडे में लिया ना, वो ठीक है ना? फिर सेम वहां नहीं लगा सकते हम लोग? नहीं सर, सेम वैसे वहां भी नहीं, लगा सकते? ये अलग चीज है। इसमें ये कह रहा है कि देखिए, C6 अगर D5 से बड़ा होता है तो ब्लैंक कर दे। C6 अगर D5 से बड़ा होता है तो ब्लैंक कर दे, या फिर D5 टुडे से वो होता है। अब इसमें टुडे वाला अगर 5 करें, नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसको D5 को दोबारा दोबारा क्यों ले रहे हैं? हम खाली D5 पे कंडीशन क्यों नहीं ले सकते हैं? सॉरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते हैं कंडीशन? देखिए दो कंडीशन लेनी है यहाँ पे हमने। एक तो पहले तो दो कंडीशन लेनी है। क्या 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 लेनी है? हमें ये लेनी है कि टुडे से ज्यादा नहीं एंट्री होनी चाहिए। दूसरी दूसरी कंडीशन दूसरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले एंट्री नहीं होनी चाहिए। हाँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले एंट्री नहीं होनी चाहिए और 2 डे के बाद नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो एक मिनट, तो ये सी एवेल्युएट। सिक्स को हम क्यों नहीं दे सकते? मान लो हम ऐसे नहीं दे सकते कि एक तो ठीक है आपका जो है C6 शुड नॉट बी मोर देन R5, ठीक है। ये हाँ, R ये कहाँ से हो आ गया, गया अभी? ये हो गया R5 जो भी है वो, या हर एक पे ड्रैगिंग का इफेक्ट पड़ता है ना सर। तो ये हर ऊपर वाली डेट पे अच्छा कर, अच्छा तो C6 शुड बी मोर देन D5, या फिर D5 मोर देन टुडे। पर ये कंडीशन वर्क कर रही है, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। यहाँ कहीं कोई होता नहीं है। इन और का मतलब है इन दोनों में से एक होगी तो ट्रू होगी। अब ये देख लेते हैं यहाँ कौन सी ट्रू हुई और वहां कौन सी ट्रू हुई, ठीक है। इवेल्युएट फॉर्मूला करके देख लेते हैं। अब पहले और में से कौन सी कंडीशन ट्रू हुई। हाँ, पहले ये एक डेट आई,
फिर ये डेट आई, बंदा कहाँ से आ गया। हाँ ये डेट आई, तो पहली वाली डेट डेट जो थी C6 यानी कि हमारी तो यहाँ से ज्यादा हो गई ऊपर वाली डेट से, नहीं ये दूसरी वाली ज्यादा है, पहली वाली तो ट्रू हुई नहीं होगी, ये यहाँ से फॉल्स कर गया, एवेल्युएट किया यहाँ से फॉल्स कर गया। अब R5 को चेक कर रहा है, जो 15 है वो 2 डेट से ज्यादा है, तो यहाँ तो हो गई ठीक है, यहाँ इसमें ये ज्यादा डेफिनेटली है, D5 तो बड़ा है, D5 टुडे से बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू मिल गया। और का फॉर्मूला क्या करता है, फॉल्स दो मतलब दोनों कंडीशन में अगर ट्रू मिल गया तो वो करा देगा, तो यहाँ पे ये रीजन था इसका करने का, ये टुडे वाली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरा चलते हैं अपना, जहाँ पे अटेंडेंस स्टार्ट हुई थी वहाँ इसने कैसे काम कर दिया। मैंने जिस लॉजिक पे लगाया था फॉर्मूला में खुद लॉजिक भूल गया, वो जब बड़ा फॉर्मूला हो जाता है तो सर ऐसे ही होता है हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट अच्छा ये। प्रोजेक्ट अच्छा है। हाँ अब आई मीन इसको ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो काफी चीज फॉर्मूला का क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं अपना, यहाँ यहाँ कैसे काम कर गया ये 13 जनवरी वाला, क्या चक्कर था कि C7 जो C का जो है उसकी डे वो ले ली, और D5 की जो डेट थी क्या उससे बड़ा था। हाँ ये वाली बैठ गई, ये हमारी ज्वाइनिंग डेट बड़ी हो गई उससे ऊपर वाली से, ज्वाइनिंग डेट बड़ी हो गई सर ऊपर वाली से। हाँ हाँ ज्वाइनिंग डेट बड़ी होगी। तो उस केस में क्या करता ये, और D5 टुडे से बड़ा है नहीं, ठीक है काम कर गया, टुडे में जो दिया टुडे भी बड़ा था नहीं, वहाँ फॉल्स हो गया, ठीक है तो इसमें से इसने इसका ट्रू ले लिया, तो ये तब काम कर गई। इन दोनों में सर एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है, जो भी अगर कंडीशन कोई भी ट्रू हो जाती है ना इनमें से, तो वहां इसने ब्लैंक करना ही था। तो मीन्स क्या हुआ इसका, C5 अगर ये वाली डेट इस वाली से ज्यादा है तो यहाँ ब्लैंक दिखा दे, ठीक है जी, पहली कंडीशन एकदम क्लियर है। C5 अगर हमारी सिलेक्टेड डेट से ज्यादा है, ये वाली ज्वाइनिंग डेट अगर इससे ज्यादा है तो यहाँ ब्लैंक दिखाएगा, सिंपल सी बात है, और D5 अगर टुडे से ज्यादा है तो ब्लैंक दिखाएगा। D5 टुडे से मतलब कोई भी वैल्यू जो टुडे से ज्यादा होगी वो ब्लैंक दिखाएगा, वहां भी ब्लैंक दिखाएगा, ठीक है दोनों कंडीशन चल रही है सर, सही है। कंफ्यूजन है सर कुछ? अभी हमें दिखा रहा है जैसे C7 और O5। फर्स्ट पे ले जाओ कर्सर। देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए क्लिक किया, मैंने क्या आप मैंने एक ही कंडीशन पूछी, क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग ज्यादा है, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस डेट से बड़ी है, इसने कहा यस, मैंने कहा ब्लैंक कर दो, ठीक है जी, पहली कंडीशन देखिए खाली, क्योंकि और में से दोनों में से एक भी हाँ होगा तो ट्रू होगा। दूसरी कंडीशन बैठ रही है मेरी वहां पे टुडे के बाद वाली पे, यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने ये पूछा क्या ये जो सेल है टुडे से बड़ी है, इसने कहा हाँ बड़ी है, मैंने कहा ब्लैंक कर दो, ठीक है सर। सिर्फ दो चीजें हैं, और क्या कर रहा है दोनों में स्विच कर रहा है, जहां उसे ट्रू मिल गया वहां उसे डालना। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसने ब्लैंक मार देना। हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। अब बीच की वैल्यू कैसे बच रही है, जैसे C6 है ये वाली है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे क्या हो गई, डेफिनेटली ज्यादा ही है। अगर अगर हम इसको जैसे अभी C6 इज मोर देन R5 किया, अगर इसको हम उल्टा करें, इफ R5 इज लेस देन C6 एंड R5 इज मोर देन टुडे देन ब्लैंक, राइट ना, हाँ सिंपलीफाई हो जाता थोड़ा सा। वो भी चल जाएगा जैसे लग जाए है तो सर। एक ही चीज, हाँ जैसे हाँ सीधा दिमाग एक ही लगा R5 का रेफरेंस ले सकते हैं ना हम लोग, कि भाई R5 की बात चल रही है, कि R5 के बारे में हम कह रहे हैं कि अगर वो C6 से छोटा है
या आज से बड़ा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हाँ, तो वो वन एंड सेम थिंग हो जाएगी। हाँ जी, वो ठीक है, बस आपका लॉजिक बैठना चाहिए सर, बाकी तो कोई हाँ, नहीं। लॉजिक बैठना चाहिए। ठीक है, समझ गया। ठीक है सर, तो हमारा एंट्री वाला काम हो गए सारे इसमें। ठीक है जी, अब ये आपका डायनेमिकली वो दिखा रहा है। अब एक चीज और दिखानी है, जब बाकी किसी में नहीं दिखाएगा, जहां तक है उसके पास अटेंडेंस उतनी दिख, टुडे तक की दिखाएगा। और इसमें एक चीज और दिखानी है, एक चीज और करवानी है कि जहां पे हमारा एल आ जाए ना, वैल्यू इक्वल टू एल, देन क्या करना है, इसको कलर कर देना, कलर और थोड़ा सा बोल्ड कर देना। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाली वैल्यू, ये जो, अच्छा, अगर सेम वैल्यू इक्वल टू एल है, बट ये कंडीशन चलेगी। ठीक है। हाँ, इसमें कोई हमने वो नहीं, डॉलर नहीं लगाना, क्योंकि इसी की वैल्यू की बात हो रही है। तो अब हम यहाँ पे आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल किया, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, फॉर्मेट में गए, यहाँ पे हमें फॉन्ट क्या करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड हो गया। आप फिल क्या करना है, कोई कलर फिल कर लेते हैं, मैजेंटा टाइप। इसको फॉर्मेट प्रिंटर लेके ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। ऊपर ठीक है सर, आ गया है। तो जहां जहां भी छुट्टी ली ठीक होगी, है, जहां जहां लीव है वहां वहां कलर कर दिया उसने। हाँ जी, जहां जहां ली होगी वहां वहां कलर कर देगा। ठीक है सर, वो अभी किसी भी मंथ में जाएंगे वहां मिलेगा अपने को, हाँ किसी भी जी, ईयर में जाएंगे मिलेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये सेल तो वही है, ये तो हमने फॉर्मूला से बहुत कुछ कर दिया इसमें, है तो बात तो वही है। ये तो देखने में ठीक लग है, रहा है गुड। कि सॉफ्टवेयर की तरह। एक और चीज करनी थी इसमें, हाँ, एक चीज रह गई है, कोई एक चीज क्या थी, वो भूल गया। यहाँ डेट आ रही है, ठीक है, नेट नहीं खोलना। इसमें फार्मूला पूरा बढ़िया से लग गया। हाँ जी, जैसे सर ऐसे कोई भी किसी भी तरह का ना प्रोजेक्ट उठा लो, इसी तरह से फार्मूला, फार्मूले की जो ये क्वालिटी हो जाएगी ना। यूज करना। हाँ, ये अच्छा रहेगा, ये मैं प्रैक्टिस करूंगा सैटरडे संडे पूरा फुल, इसी प्रोजेक्ट की या दूसरे जो मेरे पास पड़े हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसको इसको अगर आपने 3 बार बना लिया तो आपकी फार्मूला की एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब ये जितने फार्मूले मैंने यूज किए हैं, इतने हाईली इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है। एक चीज रह गई है, कुछ करना करवाना चाह रहा था इसमें और, यहाँ तक तो ठीक था। हाँ, टुडे मैंने कलर कराना था, कल करवाया होगा शायद, मैंने नहीं करवाया। अब ये टुडे की थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में अलग जा रहा हूँ। ठीक है सर, आज की डेट की पता पड़ती रहे हमें, हमें बस यही चेक करना है क्या ये डेट जो है हमारे इक्वल टू टुडे है। इसमें मुझे क्या करना है, रो फिक्स करनी है, तो ये फॉर्मूला कॉपी करना है,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ना इस पे आपको एक्सपर्टाइज हो जाएगी फिर, सारे फॉर्मूले लगाते कैसे। फॉर्मेट इसमें मैं थोड़ा सा बॉर्डर अलग से कर देता हूँ, इसका बॉर्डर कोई और ले लेता हूँ। कलर कोई और चूज कर लेता हूँ, फॉन्ट जो है बोल्ड कर लेता हूँ। ओके ओके फॉर्मेट प्रिंट कर लेते हैं, पूरा मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है सर, यहाँ भी टुडे होगा, यहाँ पे ऐसा दिखाएगा मेरे को। तो ठीक है। ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया अटेंडेंस मॉनिटरिंग का, इसमें बट ये आपकी। हमने लिखा कि इफ इफ D5 इज टू डे देन नो टेक्स्ट दिस कलर, और इसका टेक्सचर भी चेंज कर दिया उसने। बट वो टुडे कहाँ से पकड़ रहा है? वो टुडे आपके वही वही जो नीचे हमारा कैलेंडर दिखा रहा है वहीं से पकड़ रहा है। टुडे सर, हमने टुडे सर, डेट तो नहीं डाली ना, 14 मई की हमने डेट तो डाली नहीं। वो टुडे किसको पकड़ रहा है फिर? ये इसमें हम आते हैं ना अपने पुराने वाले, ये ऊपर क्या है, ये जो है ना ये हमारी डेट थी है, खाली मैंने कस्टम फॉर्मेट से बदल दिया था, इनका फॉर्मेट बदल रखा है तो एक्चुअल डेट ही है, दिखा कुछ और रखा है, रियलिटी क्या है कि ये डेट है, मैंने डेट का फॉर्मूला नहीं, लगाया मैं कह था। रहा हूँ वो ठीक, मैं समझ गया। मैं क्या, अभी जो लास्ट फॉर्मूला आपने लगाया हाँ कि अगर आज की डेट है तो उसको वो बॉर्डरिंग भी चेंज कर दी और कलर भी कर दिया आपने, तो मैं कह अरे रहा हूँ आज की डेट जो है वो 14 मई है। वो 14 मई वाले में किया ना उसने, कंप्यूटर को हाँ कैसे मालूम कि आज 14 मई है और 12 मई नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ वो सर सिस्टम की जो डेट पड़ी हुई है, जैसे मैं ये यही यहाँ, वाली पकड़ रहा है ना। हाँ अगर अच्छा ठीक, मैं यहाँ कोई और डेट डाल दूँ ना तो ये वो पकड़ेगा, जैसे 6 मई। करो 6, करो जरा 6 करके देखो। हालांकि यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा। हो जा हो जा हो जा, अच्छा सिलेक्ट। हाँ आ गया, कहाँ गया, यहाँ चेंज डेट एंड टाइम, डेट मैं चेंज कर देता हूँ, 6 तारीख कर देता हूँ। चलो ओके, 6 मई हो गई। ओके या 6 मई में ले जाते हैं इनको, कहाँ गया, अच्छा मई में, ये 6 तक आ गई। हाँ अभी 6 मिनट ठीक है, तो नीचे से ही पकड़ रहा हो। ठीक, नहीं ये है बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। गुड। ठीक है सर, अब ये फॉर्मूले को रिकैलकुलेट होने की जरूरत है, F9 दबाया आ गया, यहाँ फॉर्मूले की सर रिकैलकुलेशन यूज होती है। F9 हमने क्या किया, जैसे कैलकुलेट रिवर्ट किया नाउ, क्या लास्ट एक्शन के लिए? ये होता है सर कैलकुलेशन ऑप्शन होते हैं कुछ। बट कैलकुलेट, अभी इसने क्या कैलकुलेट किया? अभी आपने जो F9 दबाया तो क्या कैलकुलेट किया उसने? जितने फॉर्मूले लगे थे सर सबको कैलकुलेट कर लिया एक बार, उनका रिजल्ट जांच लिया, क्योंकि 6 मई था अब मैंने चेंज कर दिया, फॉर्मूले ने तो रिजल्ट दे रखा है, तो एक बार शीट को कैलकुलेट होने की जरूरत थी। ठीक है जी, क्योंकि टुडे ने पूरे 6 मई रिटर्न कर रखी थी, अब मैंने कैलकुलेट किया तो फिर टुडे ने आज की डेट जब मैंने चेंज करी 14, तो फिर इसने 14 पकड़ी। अच्छा, समझ। ठीक है सर, तो ये मैं आपको फाइल ये वाली शेयर कर देता हूँ, कहाँ गया, इस पे स्काइप पे ही शेयर कर दूँ, ये बेटर रहेगा। हाँ स्काइप पे ही डाल दो, मेरे को स्काइप पे ही डाल दो। इस पे कहाँ पे शेयर शेयर शेयर, कहाँ गया, सेंड फाइल डेस्कटॉप से, अटेंडेंस आ गई आपके पास में, आपके पास सब स्काइप कंप्यूटर में और मोबाइल में दोनों में डाल रखा होगा ना आपने।
हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में डाल रखा है आपने स्काइप। मोबाइल में भी डाल।